हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है। आई होप तुम लोगों ने पहला देख लिया होगा और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, देखो, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल्स और ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं और फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज हैं, वो क्या बनाएंगी? वो गैमेट्स बनाएंगी। गैमेट्स में क्या क्या है? स्पर्म है और ओवम है। तो मेल्स बनाएंगे स्पर्म, फीमेल बनाएगी ओवम बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और उस प्रोसेस को क्या कहा है? गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर पढ़ा था कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहा था। वो क्या बनाएंगे? वो स्पर्म्स बनाएंगे बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में जो मैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, दैट आर नॉन स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। वो बिगिन कहाँ होगा? एट प्यूबर्टी। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, सिंगुलर क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया इज फॉर मैनी, स्पर्मेटोगोनियम इज फॉर वन। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीपल बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर। देखो, मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ से लाइंड होती है दो टाइप की सेल से, एक तो मेल जर्म सेल होती है और दूसरा सर्टोरी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ से ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो लाइंड करके रखते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस से और खुद के नंबर को बढ़ाते हैं। सो हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, आगे देखेंगे ये एन होगा फिर, और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फिर आता है बेटा, कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। देखो, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, उसमें से कुछ को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। वो फिर मियोसिस करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली मियोसिस करेंगे, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब कि जिस मियोसिस में नंबर कम होता है, दैट इज़ द रिडक्शनल डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे? दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हमने क्या कहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा है। ठीक है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम, जिसके अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23। देखो, डिप्लॉयड कंटेंट में अगर 46 है तो ऑब्वियसली उसका आधा होगा, मतलब 23 होगा। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो दूसरा सेकेंड मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस वन, मियोसिस टू। मियोसिस वन में रिडक्शन होता है, मियोसिस टू के अंदर क्या हुआ? जब मियोसिस टू हुआ, उसके बाद चार इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड बने, चार हैप्लॉयड इक्वल स्पर्मेटिड बने। अब यहाँ मत कर देना कि यहाँ पे 12.5 क्रोमोसोम है, यहाँ 23 के 23 ही हैं। तुम लोगों को पता होगा कि मियोसिस सेकंड जस्ट बराबर होती है किसके? माइटोसिस के, तो उसके जैसी होती है। तो हैप्लॉयड था ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगी, उसके बाद हैप्लॉयड ही बनेगा। क्या बनेगा? चार बनेंगे स्पर्मेटेड। तो अब ये बताओ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड? चार स्पर्मेटेड। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? दो। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड? दो। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटेड बेटा 23 ही होंगे। ठीक है, द स्पर्मेटेड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्मेटेड को हम लोग स्पर्मेटोजोआ, जो कि हैं स्पर्म्स, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटेड का स्पर्म्स में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। देखो, यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स है और ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्पर्म का हेड एम्बेड हो गया सर्टोली सेल के अंदर। बाद में जब वो रिलीज़ होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को क्या कहा है? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? जब सर्टोली सेल्स के अंदर से जो हेड एम्बेडेड है स्पर्म्स का, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाए। ओके, दैट प्रोसेस इज स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस
जब स्पर्मेटोजोआ बने, किससे? स्पर्मेटिड से। तो ये डायग्राम देखो, यहाँ ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये फिर क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। स्पर्मेटिड के बाद ये इसका हेड इसमें एम्बेड हो गया, फिर बाद में ये रिलीज़ होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पर्मेशन कहेंगे बेटा, ठीक है। समझ आया ना ये अच्छे से, ये याद रखना है सारी चीज़ें। एक ऑर्डर लिखा हुआ है क्या आगे? नहीं लिख रखा ना, ये उल्टा चला रखा है वैसे इन्होंने, ठीक है। देखो इधर ही बता देती हूँ, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना बाय व्हाट, माइटोसिस। प्राइमरी से सेकेंडरी बना बाय मियोसिस वन, फिर स्पर्मेटिड बना बाय मियोसिस टू, देन ये बना बाय स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये बाय दिस प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये याद रखना है आगे, हाँ अभी तो हम छोड़ गए। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स ही नहीं होते हमारे पास प्यूबर्टी से पहले, है ना। तो प्यूबर्टी के टाइम पे वो शुरू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, मतलब GnRH का हमारे पास एक स्टॉक होता है जितना हमको चाहिए। अगर हम रिकॉल करें तो ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, GnRH स्टिम्यूलेट करेगा टू गोनेडोट्रोपिन को। देखो GnRH किसके ऊपर काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्यूलेट हुई और क्या रिलीज करेगी, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगी। देखो हार्मोन का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ऑब्वियसली बात है ये गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवा सकता है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगी ना पिट्यूटरी। नाम क्या है, LHFSH, फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो LH और FSH दो हार्मोन सिक्रीट करेगी। अब L से LH, L से लेडिक सेल, तो LL, तो LH कहाँ काम करेगा, लेडिक सेल्स के ऊपर काम करेगा, और लेडिक सेल क्या करती हैं, एंड्रोजन को सिक्रीट करती हैं और स्टिम्यूलेट करेगा कि सिंथेसाइज और सिक्रीशन हो किसका बेटा, एंड्रोजन्स का। मतलब LH काम करेगा लेडिक सेल्स पे और लेडिक सेल्स को ये ऑर्डर देगा कि भाई तुमको एंड्रोजन को बनाना है और सिक्रीट भी करना है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिम्यूलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद जो एंड्रोजन हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस का काम। आगे है बेटा, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, फिर FSH किसके ऊपर काम करेगा, सर्टोली सेल पे काम करेगा। अब बचे कौन से सेल, सर्टोली बची ना, लेडिक सेल का हो गया काम और हार्मोन बचा FSH, तो FSH काम करेगा सर्टोली सेल पे और सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करवाएंगी जिसके हेल्प से कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। आगे हमारे पास है स्पर्म का स्ट्रक्चर, कि भाई स्पर्म जो हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं वो दिखता कैसा है, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के तुम लोग नहीं देख सकते। उसके अंदर हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो पूरी बॉडी को एनवेलप करके रखती है, स्पर्म की पूरी बॉडी को एनवेलप करके रखती है, कौन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्पर्म का हेड होता है उसके पास इलोंगेटेड हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, स्पर्म के हेड में एक इलोंगेटेड बड़ा सारा हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक, मैंने बताया था ना, ये ऊपर वाला इंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब ऊपर, हेड के ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे दिस वन इज़ व्हाट, एक्रोसोम, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के पास एंजाइम होते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे, क्योंकि ओवम के ऊपर लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हटाना होता है, डिग्रेड करना होता है, डिसॉल्व करना होता है, तो वो सारा काम कौन करवाएगा बेटा, एक्रोसोम के एंजाइम्स करवाएंगे। मिडल पीस के पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस लिए एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि टेल की मूवमेंट हो सके, ताकि स्पर्म मोटाइल हो सके, स्पर्म की मोटिलिटी रहे और वो
फर्टिलाइज कर सके। अगर स्पर्म चल ही नहीं सकता तो फिर क्या मीडियम है हमारे पास? कोई मीडियम नहीं, स्पर्म को मोटाइल होना ही होना है। तो स्पर्म की मोटिलिटी है किसकी वजह से? बेसिकली तो है टेल की वजह से, बट अगर क्वेश्चन में आए तो हमारे पास एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के तो टेल किस काम की? ठीक है, अब आता है द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट। ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म। याद रखना है मिलियन है, बिलियन नहीं है, हमारे ऑप्शन आते थे ऐसे। स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस, पर क्वाइटस 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है एक ह्यूमन मेल नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, जिसके अंदर से जो 200 से 300 हैं उसका 60% हिस्सा, मतलब एक मिनट में अगर तुम्हें बताऊँ, इंटू हम 200 ले लें, 6 to 120, तो 120 से 180, ठीक है, 120 से 180 मिलियन बेटा, 120 से 180 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए और उनका नॉर्मल साइज होना चाहिए। मतलब 200 टू 300 मिलियन में उसका 60%, 200 से 300 का 60% हमने निकाल लिया, 120 से 180 इतने स्पर्म का, इतनी मिलियन स्पर्म्स की नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज होनी चाहिए, एंड 40% ऑफ दैम। अब 120 से 180 वालों का 40%, ये नहीं कि 60 के बाद कितना बचा, 40 बचा, ये नहीं है बेटा, 120 का 40%, ठीक है, सो 48 और ये इधर 180 वाले का भी निकाल लेते हैं, ये इधर से इधर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो इतने स्पर्म्स का, लगभग 48 मिलियन स्पर्म्स का एटलीस्ट विग्रस मोटिलिटी, मतलब कि वो मोटाइल होने चाहिए और वो अच्छी मोटिलिटी शो करने वाले हों, ठीक है। आगे है बेटा कि स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज हो गए, उनको एक्सेसरी डक्ट ट्रांसपोर्ट करती है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, इन सभी का जो सिक्रीशन है वो एसेंशियल होता है किसके लिए? स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और स्पर्म के मैच्योर होने के लिए। जो सेमिनल प्लाज्मा है अलॉन्ग विद द स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म क्या बनाता है? सीमेन। तो सीमेन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा विद स्पर्म। तो द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस। जो मेल एक्सेसरी डक्ट हैं और जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड हैं उनका काम मेंटेन कौन रखता है? एंड्रोजेंस मेंटेन करके रखते हैं। अब आता है हमारे पास फीमेल वाले प्रोसेस के ऊपर। अब आता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज ओजेनेसिस। एक मैच्योर फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को बेटा ओजेनेसिस कहा जाता है, विच इज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से, विच इज़ मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, हम लोगों को पता है। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हम लोगों को, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब कोई बेबी, मतलब किसी के अंदर, किसी फीमेल के अंदर ओजेनेसिस का फॉर्मेशन कब शुरू हो जाता है? जब वो खुद की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। मतलब जब मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थी उस टाइम पे मेरी जो दोनों ओवरी थी उसके अंदर ओगोनिया, मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। बर्थ के बाद ओगोनिया दोबारा से ऐड नहीं होती हैं, ठीक है, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ना नई ओगोनिया बनती हैं ना ही कहीं से आती हैं, जितनी ओगोनिया फिट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनी उतनी ही लाइफ टाइम तक चलानी होती हैं, ठीक है। फिर ये सेल स्टार्ट करती हैं डिवाइड करना और एंटर कर जाती हैं प्रोफेज वन में। अब देखो हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया लिया था, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ कौन है? ओगोनिया। तो ओगोनिया में क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, मतलब स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस ही तो हुआ था। अब यहाँ पे ओगोनिया के अंदर अगर वो सेल्स डिवाइड करना शुरू करती है और प्रोफेज वन में अटक जाती है, मियोटिक डिवीजन मियोसिस के प्रोफेज वन के भी कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, एनसीईआरटी में, 11th के एनसीईआरटी में डिप्लोटीन वाली अगर अपन स्टेज खोलेंगे ना तो उसके अंदर लिखा होता है कि कुछ प्राइमरी ओसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, वहाँ पर कुछ अरेस्ट हो जाती हैं सेल्स, तो वो यहीं की बात कर रहा है,
ठीक है, ये सेल्स डिवाइड करना शुरू करती हैं और प्रोफेज वन में आके रुक जाती हैं एंड गेट टेम्परेरली अरेस्ट एट द स्टेज, और टेम्परेरली इस स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाती हैं जिसको हमने कहा है प्राइमरी ऊसाइट। जैसे कि वहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ बेटा प्राइमरी ऊसाइट है। प्राइमरी ऊसाइट का म्यूसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, म्यूसिस वन भी ख़त्म नहीं हुआ है। कब ख़त्म होता? जब टीलोफेज हो जाती, यहाँ तो हम उसमें प्रोफेज में अटक गए। ठीक है, तो ओगोनिया में क्या हुई? माइटोसिस। क्या बनाया? प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट क्या कर रही थी? म्यूसिस वन कर रही थी। म्यूसिस वन के प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज में आके हम लोग अटक गए। ठीक है, फिर हर एक प्राइमरी ऊसाइट गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब सभी के सभी प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर बेटा ग्रैन्यूलोसा सेल्स की एक लेयर आ जाती है, जिसको फिर बाद में हम लोगों ने उसी को, जैसे ये प्राइमरी ऊसाइट है, ये प्राइमरी ऊसाइट है, इसके ऊपर ग्रैन्यूलोसा लेयर आ गई। अब ये क्या है? अब ये प्राइमरी फॉलिकल है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब ये जो चीज़ है, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेगास्पोर चार बनते हैं बट बचता एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ एक बचेगा, बट हाँ डिजनरेट बहुत सारे हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं हर एक ओवरी में। टोटल कितने हो गए? 120 से 180 हज़ार। ठीक है, तो 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल होते हैं बेटा हर एक ओवरी के अंदर। ये बाहर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए हम सॉरी। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर आ जाती हैं बेटा। ठीक है, ग्रैन्यूलोसा सेल की ही अब एक न्यू थीका बनती है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल। अब इस डायग्राम को क्या कहा है? सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। ठीक है, देखो सब ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था ओगोनिया था। ओगोनिया ने माइटोसिस करा, बनाया प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट ने मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज वन में जाके उसके डिप्लोटीन स्टेज में वो अरेस्ट हो गया। फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी ओसाइट डिजनरेट हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या बनते हैं? हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट था, उसके ऊपर लेयर आ गई, दैट इज़ प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल कितने बचे हमारे पास? 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल हर एक ओवरी में बचे। ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या हो गए बेटा? डिजनरेट हो गए। फिर प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ग्रैन्यूलोसा सेल की एक और लेयर आ गई, नई थीका बन गई, दैट इज़ सेकेंडरी फॉलिकल। अब द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इंटू अ टर्शरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज बाय अ फ्लूड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है? एक बड़ा सारा टर्शरी फॉलिकल बनता है जिसके अंदर एक फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है जिसका नाम दिया है एंट्रम। तो एंट्रम सबसे पहले कहाँ बनी? टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी ऊसाइट है। ये अभी भी कौन है बेटा? प्राइमरी ऊसाइट ही है। ठीक है, द थीका लेयर इज़ ऑर्गेनाइज इंटू एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। यहाँ पर एक नई थीका लेयर आई थी सेकेंडरी फॉलिकल बनते टाइम, अब वो थीका लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि अंदर वाली अलग, बाहर वाली अलग। अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ऊसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इनसाइड। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन था बच्चा? प्राइमरी ऊसाइट था। वो बड़ा होगा साइज में, ठीक है, और कंप्लीट करेगा अपनी पहली मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जहाँ पर वो प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में अरेस्ट था। अब वो टेलोफेज तक जाएगा, मियोसिस वन उसकी क्या हो गई? पूरी हो गई। यहाँ पर जैसे कि स्पर्म्स के केस में, मेल्स के केस में इक्वल डिवीजन हुआ था, इक्वल दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक तो सेकेंडरी ऊसाइट बनता है, बट दूसरी क्या बनती है? दूसरी छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। कितनी पोलर बॉडी? एक बनी और छोटी सी। यहाँ पर जो पोलर बॉडी, वैसे तो सेम होना चाहिए था दोनों को, बट पोलर बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशन था वो हमने लेके दे दिया सेकेंडरी ऊसाइट को। तो सेकेंडरी ऊसाइट बना और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। फिर आता है सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ऊसाइट। जो सेकेंडरी ऊसाइट होता है उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। किसका? प्राइमरी ऊसाइट का।
आता है डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोन आउट ऑफ फर्स्ट न्यूटिक डिवीजन फर्दर और डिजनरेट, क्या आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कि वो पोलर बॉडी डिजनरेट होगी या फिर उसका क्या होगा, क्या होगा कालिया उसका? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, बट हम लोगों को इसके बारे में अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। टर्शरी फॉलिकल आगे किस में चेंज होगा? मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में। फर्दर चेंज होगा कौन? टर्शरी किस में? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन है? सेकेंडरी ओसाइट है। फिर सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। अब सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा अपनी लेयर जिसका नाम होगा जोना पेल्यूसिडा, उसको सराउंड करने वाली, मतलब ये सेकेंडरी ओसाइट अगर है उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा ये खुद बनाएगा, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट। अब ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल था चौथे नंबर पे, मतलब टर्शरी के बाद जो बना था, अब वो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रिलीज़ करेगा किसको? सेकेंडरी ओसाइट, और नाम लिया है ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन ओवम रिलीज होगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होगा कहाँ से बेटा? ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। अब ये हम लोगों से डिफरेंस पूछ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, आई होप तुम लोग ये आराम से लिख सकते हो अब, ठीक है। अब हम लोग पहले ये डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम देखो इसके अंदर क्या दिया है, एक मिनट वेट। अब ये क्या हो रहा है, वेट वेट, सॉरी सॉरी बच्चा सॉरी। अब ठीक है, कलर चेंज करें, ब्लैक ही ले लेता है यार, रेड, ओके। अब ठीक है ले लिया भाई। देखो ये यहाँ से ब्लड वेसल्स हैं, दिख गई, ये सबसे पहले वाला प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट, देन सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट, देन टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में ये कैविटी दिख रही है इधर, दिस इज एंट्रम। टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन था? प्राइमरी ओसाइट था। प्राइमरी ओसाइट ने अपनी मियोटिक डिवीजन पहली वाली पूरी कर ली थी, क्या बना? सेकेंडरी ओसाइट। फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन है? सेकेंडरी ओसाइट है बेटा। सेकेंडरी ओसाइट क्या लेयर बनाता है? जोना पेल्यूसिडा लेयर बनाता है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, ये अवम रिलीज हुआ। आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि मैच्योर फिर जो ब्रोकन ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। अब फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक मिनट, ओके सॉरी। अब आगे हम देखेंगे तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का, ठीक है। ये तुम लोग खुद पढ़ो और खुद समझो, कुछ ना समझ आए तो मुझे बताना, मैं फिर उसमें बता दूंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वरना ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा बेटा, तुमको देखने में दिक्कत आएगी, और भी तो पढ़ना ना तुमको, ऐसे थोड़ी ना सिर्फ बायो बायो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, देखो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, एग्जाम्पल मंकी, एप, ह्यूमन बींग्स। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल हो गए मंकी, एप और ह्यूमन बींग, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उस साइकिल को बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। पहला मेंस्ट्रुएशन कहाँ होता है? प्यूबर्टी के ऊपर होता है, दैट इज नॉन एज मिनार्क। मिनार्क टू स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला, मतलब पहली साइकिल शुरू होना, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल्स, सॉरी, मतलब फर्स्ट मेंसेस जब किसी को आते हैं दैट इज़ नॉन एज मिनार्क, और आते कब हैं? प्यूबर्टी पे, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल के बीच में, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि एक महीने का इंटरवल होता है। जैसे किसी की डेट है 10, किसी को 10 को मेंसेस होते तो उसको नेक्स्ट मंथ 9, क्या पता 10 के बाद थोड़ा डिले हो जाए तो 12, थोड़ा अर्ली हो जाए तो 7, 6, इस तरीके से ये आ सकते हैं। इस तरीके से ये क्या होता है, अच्छा ये इरेजर नहीं है ना, तो इरेजर कहाँ है? व्हाट इफ आई वांट टू इरेज इट? अरे यार ये तो अलग ही से आता है, ये हैंग हो जाता है मेरा फोन यार,
सॉरी चलो मैं क्या खेलने लग गई इससे. ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है एक एवरेज इंटरवल के टाइम पे. वो एवरेज इंटरवल कितना होता है, 28 से 29 दिन का. एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो पहली मेंस्ट्रुएशन में जो साइकिल शुरू हुई टिल द नेक्स्ट वन, जब तक अगली नहीं आती, मतलब इस 10 तारीख से लेके, मान लेते हैं ये 10 अगस्त है और ये 9 सितंबर है, ठीक है. तो 10 अगस्त से लेके किसी को यहाँ पर इसका फर्स्ट डे था और किसी को 9 सितंबर को इसका फर्स्ट डे था. तो यहाँ से 10 अगस्त के फर्स्ट डे से लेके 9 सितंबर के फर्स्ट डे तक जो पूरा रूटीन होगा, जो साइकिल होगी, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. वन अवम इज रिलीज्ड, ओव्यूलेशन कहते हैं उसको. एक अवम रिलीज होता है, दैट इज नॉन एज ओव्यूलेशन, फ्रॉम द मिडल ऑफ द साइकिल. ये डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे. हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में एक ओवम रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं. द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर. ऊपर हम फिगर बाद में देखेंगे, पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा बच्चा, ठीक है. जो साइकिल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, मतलब पहला फेज. इसमें चार फेजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होती है. When menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days, मतलब ये लगभग सभी के 3 से 5 दिन तक रहता है और इसके अंदर menstrual flow होता है, जितनी भी ब्लीडिंग होती है वो हो जाती है. The menstrual flow result due to breakdown. अब menstrual flow होता क्यों है, इसके अंदर जो endometrium की lining होती है ना बेटा, uterus के ऊपर endometrium की lining होती है, उस वो टूट जाती है, ठीक है. देखो basically ये सारा काम होता है pregnancy के लिए. ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो हर महीने यूट्रस एंडोमेट्रियम डेवलप क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही अवम रिलीज हुआ तो अवम वेट करता है कि स्पर्म आएगा और मैं फर्टिलाइज होऊंगा. और अगर ये प्रोसेस हुआ तो जो फिटस है उसको इम्प्लांटेशन के लिए एक अच्छे एंडोमेट्रियम चाहिए. अगर अच्छे एंडोमेट्रियम नहीं होगी, ऐसी नकली खोखली सी होगी, तो वो तो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होगी बेटा, है ना. तो यूट्रस एक अच्छी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरे एक महीने में डेवलप करके रखता है, लेकिन जैसे ही उसको बाद में पता चला कि भाई स्पर्म तो आया नहीं, तो वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटना पड़ेगा ना, यूट्रस को चाहिए बदला, तो फिर इसीलिए वो तुमको ब्लीडिंग देता है. किस रूप में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को तोड़ के, ठीक है. एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा. एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना. और जो उसके ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूट टूट के बाहर आ जाती हैं, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं एंडोमेट्रियम खाली किस चीज़ की बनी है, ब्लड की तो बनेगी ना बेटा, ब्लड बैरियर बनाएगी. ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसके अंदर जो लिक्विड होता है वो भी वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है. तो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड अवम इज़ नॉट फर्टिलाइज. तो मेंस्ट्रुएशन सिर्फ कब होगी, जब अवम फर्टिलाइज नहीं होगा. अब तुमने किसी को सुना है कि भाई कोई लेडी प्रेग्नेंट थी और उसके 9 महीने तक मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं होता. हम लोगों को सबको पता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो जितना भी मेंस्ट्रुएशन का काम होता है वो रुक जाता है. तो वो क्यों रुक जाता है, अब हमको क्या चाहिए था, स्पर्म. स्पर्म तुम लोगों ने दिया नहीं, इसीलिए एंडोमेट्रियम टूट गई. जैसे उसको स्पर्म मिला, एंडोमेट्रियम कंटिन्यू रहेगी, फिर 9 महीने तक नो मेंस्ट्रुएशन. फिर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. अब मेंस्ट्रुएशन किसी को नहीं हो रही है तो मे बी वो इंडिकेशन है कि भाई वो लेडी जो है वो प्रेगनेंट है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा. However, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये किस वजह से हो सकती है, क्योंकि क्या पता कोई बीमारी हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, उस वजह से भी मेंस्ट्रुएशन हो सकती है. कई लोगों को बहुत परेशानी होती है कि मेंस्ट्रुएशन 1 महीना स्किप कर गई, 2 महीने तक नहीं आ रही, 3 महीने तक नहीं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. ये सारी हेल्थ की वजह से हैं. स्ट्रेस होगा इस वजह से मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, ठीक है. फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद में क्या आता है, आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज़ देयर इज़ फॉलिकुलर फेज़. इसके फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल से कुछ लेना देना होगा. तो इस फेज़ के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल है, तो ड्यूरिंग दिस फेज़ मतलब कि फॉलिकुलर फेज़ के टाइम पे जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी के अंदर, वो ग्रो करते हैं और क्या बन जाते हैं, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं. और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या काम हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम वापस बन रही होती है ऑफ यूट्रस, रीजनरेट टू प्रोलीफरेशन. इसको प्रोलीफरेटिव फेज़ भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलीफरेटिव फेज़ भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम वापस बनती है, यूट्रस एंडोमेट्रियम वापस बनाता है थ्रू प्रोलीफरेशन. दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन. अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, ये किन हार्मोन की वजह से होते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से,
पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से थे? LH और FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये थे ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, तो आगे है बेटा द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। इसको इधर नहीं आ सकता, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन मतलब कि LH एंड FSH इंक्रीजेस। एक मिनट, हाँ, LH और FSH का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है फॉलिकुलर फेज के टाइम पे। LH और FSH का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और वो क्या स्टिम्युलेट करता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब जैसे कि FSH है, उसका नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, वो ऑब्वियसली काम में आएगा ही फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। और जो फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं वो ईस्ट्रोजन के बनने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देंगे। देखो, ईस्ट्रोजन इज़ द ओनली हार्मोन जो कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देता है। ठीक है, तो ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को बनाएंगे, मतलब सिक्रीशन ईस्ट्रोजन का क्या हो गया? बढ़ गया। अब LH और FSH दोनों इतना सिक्रेट हो रहे हैं तो वो अपनी पीक लेवल अटेन कर लेंगे इन द मिडल ऑफ साइकिल, अबाउट 14th डे। ठीक है, देखो ओव्यूलेशन कब होगा? जितना भी महीने का गैप है, मतलब जितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उतना माइनस में, मान लेते हैं किसी को 38 का होता है तो ओव्यूलेशन कब होगा? 38 माइनस में 14। किसी को 28 का है तो 28 माइनस में 14। हम बेसिकली 28 वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर कहीं भी पूछा जाए कि भाई किसी लेडी को प्रेगनेंसी है 40-45 डेज की, तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा, तो तुमको पता आना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब LH और FSH अपनी पीक लेवल अटेन कर लेंगे एट द मिडल ऑफ साइकिल, मतलब लगभग 14th डे पे। फिर रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल। अब LH इतना सिक्रीट हो रहा है तो वो अपने मैक्सिमम लेवल पे आ गया। अब जैसे ही LH मैक्सिमम हुआ मिड साइकिल के ऊपर, जिसको हम LH सर्ज कहेंगे। अब LH सर्ज क्या इंड्यूस करवाएगा? कि जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को तोड़े और क्या रिलीज करें? ओवम रिलीज करें, मतलब ओव्यूलेशन। जब LH सर्ज होगी, ओव्यूलेशन हुआ किसकी वजह से? LH सर्ज की वजह से। ठीक है, एट द टाइम ऑफ 14th डे LH बहुत ज़्यादा हो गया, LH सर्ज हुई। LH सर्ज को क्या चाहिए? कि भाई ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दो और उसमें से ओवम निकाल दो, दैट इज ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन को हम ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे, ये एक ही दिन का होता है, उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का फिक्स 14 डेज का रूटीन होता है कि ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होगा। जो मेंस्ट्रुअल फेज है, जो फॉलिकुलर फेज है, ये वेरी कर सकते हैं, बट ल्यूटियल फेज इज फिक्स 14 डेज, ये याद रखना है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो किस में बनता है? ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। देन द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट। अब कॉर्पस ल्यूटियम ने एक टेम्परेरी एंडोक्रेन ग्लैंड की तरह काम करती है, मतलब ये हॉर्मोन सिक्रीट करेगी। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। वैसे तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट करती हैं, बट मेनली ज़्यादा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, जो कि एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए, मतलब एंडोमेट्रियम की देखभाल के लिए प्रोजेस्टेरॉन बेटा ज़रूरी होता है। देखो, एंडोमेट्रियम को बनवाता है ईस्ट्रोजन, लेकिन उसको मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनी तो प्रेगनेंसी टिकेगी ही नहीं, क्योंकि सारा काम किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर, उसको संभाल के रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम को। ठीक है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड अवम। अब अगर फर्टिलाइज हुआ अवम तो प्रेगनेंसी होगी, तो मतलब इम्प्लांटेशन के लिए ऐसी एंडोमेट्रियम, मतलब अच्छी वाली एंडोमेट्रियम, अच्छी क्वालिटी की एंडोमेट्रियम हम लोगों को चाहिए होती है। एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, और बाकी के अदर इवेंट जो होते हैं प्रेगनेंसी के, वो भी उसी एंडोमेट्रियम के ऊपर टिके होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना भी इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो स्टॉप हो जाता है और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है 9 महीनों तक। सो एंजॉय। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाती है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम वेट करती है। ठीक है, बट नहीं आता भाई स्पर्म, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन। अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रही तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट धीरे धीरे कम, और प्रोजेस्टेरॉन अगर कम है बेटा तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से ही जो होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है वो होता है। जैसे कि जो मेडिसिन आती है ना, जिनकी वजह से हम लोग मेंस्ट्रुएशन को रोक सकते हैं कुछ दिन के लिए, मान लो किसी फंक्शन में जाना होता है अपन को,
तो उनके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा ना, तो ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन वाला फेज नहीं होगा, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट तो मेन सोर्स प्रोजेस्टेरॉन का, वो तो ख़त्म हो गया, अब मतलब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बचा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो अब भाई क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल और एक नई साइकिल होगी। ह्यूमन बींग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 50 की एज तक रुक जाती है, उसके बाद कोई जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकती। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज, मतलब पॉज मतलब रुक गया, मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मीनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई एट द ईयर ऑफ 50। याद रखना है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेटर होता है कि भाई तुम लोग नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज में हो, तुम्हारी हेल्थ भी ठीक है, और एक्सटेंड करता है मेनार्क से मीनोपोज तक। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का टॉपिक ख़त्म। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम एक साथ तो यार दिखाएगा नहीं, तो मैं पेन नहीं चलाऊँगी, तुम लोग देखते रहना। देखो ये डेवलपिंग फॉलिकल है, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बना, फिर ये टूट गया ओव्यूलेशन, कौन से डे पे, 14th डे पे, फिर डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम फिर टूटता गया, डिजनरेट होता गया। इसमें मेनली PYQ में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अपनी पीक को दो बार ऑब्टेन करता है, दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन जिसकी पीक दो बार आती है पूरी साइकिल में, एक ही ओव्यूलेशन के टाइम पे दिखा रहा है और एक ही इधर दिखा रहा है, ठीक है। ये इधर पहले मेंस्ट्रुएशन फेज है, देन फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव, देन ल्यूटियल, एंड देन नेक्स्ट साइकिल बिगिन एट द 14th डे, देयर इज ओव्यूलेटरी फेज, जो इन्होंने दिखाया नहीं है। सो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, ये सारा मिट गया, मैंने इतना लिखा था वो, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। तो आई होप, अरे वाह आ गया वापस, तो तुम लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार श्योर होगा, ठीक है। कोई नई दिक्कत मतलब हुई हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा तुमको लेक्चर ये भी बता देना। तो बाय बाय टाटा, गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।